बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पेशल शिकायत में आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाजिर खिदमत है। स्पेशल मैं जब स्पेशल मेरे मेहमान होते हैं और स्पेशल जगह पे जाके करता हूँ तो मैं स्पेशल शिकायत की बात करता हूँ, वरना मेरा अवामी प्रोग्राम होता है। अवाम के अंदर शिकायत जो है वो जितने भी हुक्मराने वाला है उन तक पहुँचाना और हमारे जो अफसराने वाला है उन तक आम आवाम की जो शिकायात है वो पहुँचाना मकसद होता है। लेकिन मैं जब कराची की बात करूँ तो कराची रोशनियों के शहर होता था। एक कराची पाकिस्तान का वो शहर था जो पूरे पाकिस्तान को यहाँ पे मैं ये कहूँ कि जो पेट है वो भरता था यहाँ से कराची से, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसा वाकया हुआ, क्या ऐसा सानिया गुजरा कि मेरे इस जो कायद के शहर को वो नजर किसकी लग गई, वो रोशनियों का शहर जो है वो अंधेरों में क्यों तब्दील हो गया और अब दोबारा से एक कराची के जो रहने वाले हैं उनको उम्मीद की किरण जो है वो नजर आई कि शायद दोबारा वो रोशनियां बहाल हो जाए, शायद वो अमन जो है दोबारा कराची के अंदर बहाल हो जाए, शायद उसी तरह जो एक मेहनत कश है, मेहनत मजदूरी करने वाला जो मजदूर है वो फुटपाथ के ऊपर सो जाता था और ये अमूमन पाकिस्तान के अंदर था कि कराची में जो मजदूर चला जाता है वो रात को भूखा नहीं सोता, इसमें सच था। लेकिन आज मेरे इस शहर को, इस कायद के शहर को पता नहीं किसकी नजर लगी। आज मेरे साथ जो है स्पेशल मेरे गेस्ट है सलमान मुजाहिद बलोच साहब, मेंबर नेशनल असेंबली है और मेंबर नेशनल काउंसिल पाक सरजमीन पार्टी भी है और बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। इनका जो सियासत का आगाज जो है गालबन एमकेएम से किया था, लेकिन आज जो है वो पीएसपी में बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब टाइम देने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पीएसपी जो है पाक सरजमीन पार्टी में जितने लोग हैं, एमकेएम से तकरीबन लोग आए हैं, तो ये अलग पार्टी मुस्तफा कमाल भाई और आप सब जो एक टीम है, तो क्यों आइडिया आया कि एक अलग से पाक सरजमीन, फिर नाम और झंडा वो सारा चीजें जो है, क्या सोच के आपने ये सारा कुछ किया? औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया, पहले तो आपको वेलकम करते हैं पाक सरजमीन पाक सरजमीन पार्टी के ऑफिस और कराची में। और पहले तो मैं आपके इंट्रो पे आऊँ कि कराची शहर जो है वो जागता था, पालता था, मजदूरिया कोई नहीं सोता था, तो ये एक हकीकत थी और हकीकत है। आज भी जो है कराची 72% से ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देता है और 95% सुबह हुकूमत को देता है, तो ये शहर भी चलता है, सुबह भी चलता है। नज़र किसकी लग गई? नज़र बदख्वाहों की लग गई, नज़र जो है ज़ालिमों की लग गई। लेकिन फिर भी इस शहर में इतनी इस्तेताअत है, पूरे पाकिस्तान से आने वाले आज भी लोग यहाँ आते हैं, बसते हैं और अपना अपना रोज़गार करते हैं और शहर उनको चला रहा है और शहर उनको पाल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कोई भी अल्लाह के हुक्म से रात को भूखा नहीं सोता। पाक सरजमीन पार्टी का आपने पूछा, मेरी अभी शमूलियत हुई 8 दिसंबर 2017 को, और फिलॉसफी जो है वो पाक सरजमीन पार्टी की और मुस्तफ़ा कमाल भाई की, अनिस टाइम खानी भाई की, झंडे के हवाले से, ख़ास करके पाकिस्तान के, पाकिस्तान का झंडा इस पार्टी का झंडा है। पाकिस्तान का झंडा रिफ्लेक्ट करता है तमाम कौमियतों को, तमाम अकलियतों को। तो हम समझते हैं कि हमारे पास कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई किसी भी कौम का, रंग का, नस्ल का, मज़हब का आदमी, इंसान या खातून इस पार्टी का रुकन बन सकता है। हमारे पास कोई इम्तियाज़ नहीं है, कोई बड़ा है या कोई छोटा है। लेकिन नारा तो आपका भी, आपकी पार्टी का भी यही है कि वो जो एमकेएम चलाती थी नारा, वो जनाब उर्दू बोलने वाले, वो हम उनके लिए पार्टी बनाई है, मुहाजरों की। क्या यार मुहाजर तो वो पंजाबी बोलने वाले भी हैं, वो बलोची भी है मुहाजर, उसमें तो जो पश्तो बोलने वाले वो हमने भी हमने जो है इस नारे की और इस लफ्तानियत की सियासत की निगेशन की है, निगेट किया इसे और इसकी हमने नफ़ी की है। वो इस तरह से कि आज पाक सरजमीन पार्टी के आला फोरम पे, चाहे वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, चाहे नेशनल काउंसिल है, उस पर पख्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी आला फोरम पे मौजूद हैं और हमारे पास कोई महाजरिज्म के हवाले से या महाजर के हवाले से या दीगर कौमियतों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कई दफ़ा कहा है कि जी मैं महाजर नाम पे सियासत नहीं करूँगा, ना वोट मांगूँगा, क्योंकि उससे नुकसान ये होता है कि आपने महाजरों को दीगर कौमियतों से लड़ाया सिर्फ सीट लेने के लिए, अपनी सियासत को कामयाब बनाने के लिए। उसके बाद हमें ऐसी सीट नहीं चाहिए, हमें ऐसी सियासत जो है लाशों की सियासत
الگ سے لسانیت کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں مہاجر جو ہے وہ کون ہے؟ نہیں میں نے لسانیت کی بات نہیں کی، میں جو بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا فلسفی نہیں ہے، نہیں میں دوسری بات کر رہا ہوں جو پہلے ہوا یہاں کراچی کے اندر، یہ مہاجر جو ہے پاکستان میں 70-60% آبادی تو مہاجروں کی ہے، یہ صرف یہ تو نہیں ہے کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے، تو پھر ان کے نام پہ یہ سیاست کرنا، ایک پرسپشن یہ اعجاز بھائی کے 1947 میں جو ہجرت ہوئی تھی، جو یو پی سی پی کے حوالے سے یا کاٹیاواڑ کے جوناگڑھ کے حوالے سے یا گجرات کے حوالے سے، تو موسٹلی پاپولیشن یہاں آئی تھی، کراچی میں آباد ہوئے تھے، اور سر آدم جی کا بھی آپ کو بتایا جو بلینک چیک دیا تھا، تو ہم اس پہ نہیں جا رہے، لیکن اس سیاست کو، اس نعرے کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کی سیاست کرنی ہے، قومی سیاست کرنی ہے۔ جب ہم ٹاک شو میں جاتے تھے نا تو ہمیں کہا جاتا جی وہ جب پوچھے نا کہ جی ایم کیو ایم نے کب کام کیا، ہم کہتے جی 2005 سے 2010 تک، تو میں سوال کرتا تھا ہمارے لوگوں سے کہ جی وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب تھے، بولے نہیں ان کا نام نہیں لینا، ایم کیو ایم کا نام لینا، تو کام تو مصطفیٰ کمال نے کیا تھا نا، آج ایم کیو ایم کے میئر کو ڈیڑھ پونے دو سال ہو گئے، آج ایم کیو ایم کا میئر ہے نا، کیوں ڈلیور نہیں ہو رہا شہر میں؟ ارے سر ہم سب لوگ، ہم بھی یہ صرف رونا ہے سر، ہم سب لوگ جتنے پولیٹیشین ہیں جتنا میڈیا ہے، عوام جو ہے وہ ڈکٹیٹر کو تو روتی ہے کہ ڈکٹیٹر کا دور یہ ہو گیا، اس وقت جو ناس مین کے پاس اختیارات تھے وہ کہاں ملے پاکستان کی ہسٹری میں؟ نہیں تو دیکھیں کراچی میں کام ہوا، دیکھیں ویژن کی بات تھی، نیت کی بات تھی، انٹینشن کی بات تھی، یہی فنڈ جو ہے سندھ کے دیگر ضلعوں میں بھی گیا، آج بھی سندھ کا وہی حال ہے، کراچی میں لگا، حیدرآباد میں لگا، ویژن کی بات تھی۔ اچھا بولو صاحب، آپ نے 8 دسمبر 2017 کو پی ایس پی جوائن کی، 24 دسمبر 2017 کو لیاقت آباد کراچی میں پی ایس پی ایک جلسہ کرتی ہے، آپ اس جلسے سے پہلے جو کراچی کے اندر آپ لوگوں کو رسپانس ملا، اندرون سندھ سے رسپانس ملا، آپ اس کے بعد کی سچویشن اور پہلے کی سچویشن میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا انالیسس ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایک تقابلی جائزہ پیش کروں۔ سنتے تو ہم بھی تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اور جو لوگ کہتے تھے کہ ٹولا ہے چلا جائے گا واپس چلے جائیں گے، لیکن جب ہم 8 دسمبر کو جوائن کیا ہم نے، اور اس کے ویری نیکسٹ ڈے 9 دسمبر کو الکرم اسکوائر لیاقت آباد سے پی ایس پی نے اپنا عارضی دفتر شفٹ کر دیا وہاں پہ، جلسے سے کوئی 15 دن پہلے یا 12 دن پہلے، وہاں سے ہم نے تمام کاروائی شروع کی اپنی، کارنر میٹنگ کے حوالے سے، ڈور ٹو ڈور وزٹ کے حوالے سے، لوگوں سے رابطے کے حوالے سے، اور مجھے بھی مختلف ڈسٹرکٹ میں، ویسٹ میں، سینٹرل میں، ایسٹ میں، کورنگی میں، کارنر میٹنگ کے حوالے سے یا جنرل ورک اجلاس کے حوالے سے جانے کا اتفاق ہوا۔ تو ہم نے وہاں یہ دیکھا کہ عوام بڑی چاش تھی، کیونکہ ایک جو لیڈرشپ کا فقدان آیا ہوا ہے، ایک جو اسپیس آیا ہوا ہے لیڈرشپ کا، عوام چاہ رہی ہے ہمیں کوئی لیڈرشپ تو میسر آئے، کوئی ایسی پارٹی ہو جو ہمارے دکھ کا مداوع کرے۔ تو ہم جب کارنر میٹنگ میں گئے تو 1500 سے 2000 کی کارنر میٹنگ ہوتی تھی، اور کہیں پہ بھی یہ نعرہ نہیں لگا ایم کیو ایم پاکستان کا، ایم کیو ایم لنڈن کا، اور ہمیں یہ کبھی امید تھی کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نکل کے آئیں گے، ہم فگر پہ نہیں جاتے، لیکن الحمدللہ 24 دسمبر کا جلسہ تھا، اس کا کریڈٹ میں انیس قائم خانی صاحب کو، ان کی ٹیم کو، مصطفیٰ کمال صاحب، کیونکہ انیس قائم خانی صاحب میں وہ کیریسمیٹک بات ہے کہ وہ تنظیم سازی جانتے ہیں، تنظیم چلانا جانتے ہیں، ایم کیو ایم کے جب وہ ڈپٹی کنوینر تھے انہوں نے تنظیم کو مضبوط کیا، آج پی ایس پی 1.5 سال کی پارٹی ہے، انہوں نے 34 سیکٹر جن کو میں ٹاؤن کہتے ہیں ہم، وہ کھڑے کر دیے کراچی میں، 100 سے زیادہ یونٹس، یوسیز کھڑی کر دیں، تو کارکنان کا ایک یہاں پہ جمع غفیر ہو گیا، اور انہوں نے ورکنگ کی اور لوگ نکل کے آئے، اور لوگوں نے، کراچی والوں نے اپنا مینڈیٹ اس جلسے میں مصطفیٰ کمال کے ہاتھ میں دے دیا۔ اچھا اب بات یہ، اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ ویسے تو ہمارے پاس بڑی رسپانسبلٹیز تھیں، لیکن وہ جو لوگ نکل کے آئے ہیں، ان لوگوں نے جو اپنا مینڈیٹ، جو اعتماد دے دیا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک نئی سوچ شروع ہو گئی ہے کہ لوگ تو نکل کے آ گئے، ان کا بھروسہ بھی آ گیا، اب ان لوگوں کو ڈلیور بھی تو کرنا ہے۔ آپ 1.5 سال کی جو بات کر رہے ہیں، 1.5 سال پہلے جب مصطفیٰ کمال بھائی وہاں سے آئے، اور یہی تھا کہ جناب ان کو بھیجا گیا ہے، انیس قائم خانی صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو یہاں پہ بھیجا گیا لے کے، ورنہ یہاں پہ گولی کی نظر ہو جاتے، یہاں پہ ان کو کراچی میں کوئی گھسنے نہیں دیتا، بٹ وہ کیسے آئے کیسے نہیں آئے میں اس میچ میں نہیں جانا چاہتا، کون لے کے آیا، خود آئے کو لے کے آیا، کیسے آئے، وہ آئے کیا ہوا، خود آئے، اس میچ میں جانا نہیں، خود آئے، میں اس میچ میں جانا نہیں، لیکن اس وقت مصطفیٰ کمال، ہمیں پتا ہے نا، خود آئے، نہ کوئی لے کر آیا، مائنڈ نہیں کیجیے گا، نہ کسی نے بھیجا، میں نے پہلی پریس کانفرنس کی، اس میں رو رو کے اتنے بڑے بڑے آنسو انہوں نے گرائے، اور سب لوگ جو ہے پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، اور اس میں میں مجھے پتا ہے میں عوام کے اندر تھا، کہ عوام کی محبت جو تھی وہ ان کے لیے جاگی، لیکن تنقید بھی ہوئی کہ یہ پہلے تو وہ حصہ رہے، پہلے تو یہ سب کچھ کرتے رہے، سارا یہ سلسلہ اس کا ایم کے میں جب بوری بند لاشوں کی سیاست ہوتی رہی، جب گولی کی سیاست ہوتی رہی، سب کچھ ہوا، لیکن
जो है उसके बाद जो है दोबारा से आना शुरू हो गया, एक ड्रामा था जो है, तो इसमें क्या वाकई वो दिल से वो बात कर रहे थे या वो ड्रामा था? देखें, मैं जब से पीएसपी में आया हूँ तो मैंने उस मुस्तफ़ा कमाल में और इस मुस्तफ़ा कमाल में बड़ा फ़र्क देखा है, जो जो एज ए एमपीए में होते थे? नहीं सिटी नाजिम के तौर पे, क्योंकि मैं अच्छा भी जब यूसी नाजिम था तो बड़े सख्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन यहाँ पे आके देखा है तो बड़े सॉफ्ट इंसान हैं, माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं, मुत्तकी माशाल्लाह परहेजगार हैं, माशाल्लाह। और उनकी बातों से हमेशा से ये दर्द आ रहा है, मैंने जब भी सुना है कि लोगों की आवाम की खिदमत करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना, अल्लाह पे यकीन करना है, अल्लाह ही आपकी मदद करेगा, और ये अल्लाह का ही काम है इसमें कोई कि शक आपको नहीं है कि कामयाबी दे अल्लाह रहा ही है। मदद करता है। अब्दुल साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से मैं गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी करूंगा कि मुस्तफा कमाल साहब का इन्होंने कहा कि उनके दिल में बड़ा दर्द है, इस हवाले से बात करूंगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजीन। ब्रेक से जाने से पहले बलोच साहब से बात हो रही थी कि मुस्तफा कमाल भाई जो है वो अमन और मोहब्बत का दर्स देते हैं। अब बलोच साहब, ये पिछले दिनों एक बड़ी फुटेज जो है वायरल हुई मीडिया के अंदर के, जनाब सोशल मीडिया पे, मीडिया सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, कि मुस्तफा कमाल भाई एक हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एक अम्मा जी थी उनके साथ बड़ा रफ लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे, तो वो क्या था अगर वो अब मोहब्बत देखें, मैं का? आपको थोड़ा लाइटर टोन में इस बात का जवाब दूंगा। जिस पार्टी में हम लोग थे ना, तो ये उस पार्टी का मिजाज था, तो वहाँ अच्छा खासा बंदा जाके ऐसा हो जाता था, तो गलती है, माफ़, एक गलती तो खुदा भी माफ़ करता है ना, अच्छा जी, ये लेकिन अब अभी जो है वो मुस्तफा कमाल साहब बहुत सॉफ्ट। अभी हमें पीएसपी के रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब बड़े फेमस हैं पीएसपी के अंदर, उन्होंने ज्वाइन किया, ये भी साबक जो है ये एमकेएम से ताल्लुक है इनका। बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब। थैंक यू। अच्छा, ये अभी बात हो रही थी, सलमान भाई कह रहे थे कि ये उस पार्टी का मिजाज ऐसा था, या पर्सनल जो लाइफ है बंदे की उसमें होता है? मेरे ख्याल में हर इंसान की केमिस्ट्री होती है, और अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ मिजाज और उसकी शख्सियात के मुख्तलिफ रूप्स हैं और रंग हैं। तो मुस्तफा भाई भी देखे ना, बात ये कि मैं समझता हूँ कि मैं जितना उनको जानता हूँ, जितना मैंने उनको देखा है, एमकेएम के बहुत सारे रहनुमा हैं जो बज़ाहिर बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बड़े लतीफ़े सुनाएंगे आपको, बड़े शेर व शायरी सुनाएंगे, लेकिन पीछे से इतनी मुनाफ़त उनके अंदर है, लेकिन मुस्तफा भाई में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो अगर ये आप भी तो हिस्सा रहे हैं ना, आप भी तो कितने एक 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 वर्षा नहीं, एक बड़ा लंबा अरसा आप उसका हिस्सा रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़े बड़े रहनुमाओं के बारे में जानता हूँ कि जो बजाय बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन ये कि वो अंदर से उतने मुनाफिक भी हैं। मुस्तफा कमाल में मैं उनको फॉलोअर्स हूँ, मैं से एक हूँ। मैं इस बात पर फख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसे शख्स से जोड़ा जिसको फॉलो करने में फख्र महसूस करना चाहिए। वो बाकिरदार इंसान है, वो बाज़मीर इंसान है, उसमें कोई ऐब नहीं है, और पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है कि जिसको एज ए लीडर जब आप उसको फॉलो करें तो उसके किरदार के ऊपर ये आप, मैं समझता हूँ कि इतना यकीन हो जितना इंसान को अपने ऊपर यकीन होता है, ऐसा यकीन होना चाहिए कि भाई मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो बाकिरदार है, बामल और मुखलिस इंसान होता है। वसीम साहब, इधर भी पीएसपी, इधर भी पीएसपी, दरमियान में बैठा हूँ, अगर आप बुरा महसूस ना करें तो एक तलख सवाल कर लूँ आप? मुस्तकिल तलख ही कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि पीएसपी, मैं भी कहता हूँ कि जो एजेंडा पेश किया पीएसपी ने, मैं बलोच साहब से भी कह रहा था कि अल्लाह करे यही एजेंडा हो, यही मकसद हो, यही एम हो इनका, कि जिस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन जब को एमकेएम से होते हैं अटैच, उस वक्त वो दुनिया के दहशतगर्द हैं, उस वक्त वो भत्ताखोर हैं, उस वक्त वो बदमाश हैं, उस वक्त वो चोर हैं, उस वक्त वो हुंडे हैं, उस वक्त वो पूरे शहर के जो है वो अमन खराब करने वाले हैं, जब वो पीएसपी में आते हैं तो फरिश्ते हो जाते हैं। इसका मेरे नाजरीन को ये सवाल जो है, ये बहुत सारे नाजरीन जो सवाल करते हैं, उनको इसका जवाब आप अपने खूबसूरत अंदाज में दें। पहली बात तो ये है कि देखें, ये एक ऐसा परसेप्शन है जो पाकिस्तान के अंदर बिलुमोम कुछ लोगों ने पेश किया हुआ है। हम जितना एमकेएम को जानते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि भाई जो भी एमकेएम में वो अच्छा नहीं रह सकता, हमने मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं नहीं कह रहा, ये सलमान भाई ने कहा, मैं नहीं कह रहा, हमने अपने सालहीन होने का या सालेह होने का दावा तो कभी नहीं किया, हमने तो कहा कि हम गुनाहगार लोग हैं, हमसे बड़ी खताएं हुई हैं और उस गुनाहों की तलाफी के लिए आवाज़ लगाई है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को ये खुशखबरी दी हुई है कि जब तक तुम मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहोगे, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता रहूँगा, कि वो बड़ा गफ्फार और सत्तार है। हमने
हमने इस शहर को तबाह होते हुए अपनी आंखों से देखा और कहीं कहीं हम भी शरीक होंगे। सही कह रहे सलमान मुजाहिद भाई, पानी यहाँ पे साफ नहीं मिल रहा, यहाँ पे आप सीवरेज का निजाम गरम भरम हुआ पड़ा है, वो कराची के रोड जो बड़े बड़े होते थे उन पे कब्जा हो गया है, यहाँ पे लैंड माफिया जो है, चाइना कटिंग का बड़ा इशू यहाँ पे रहा, लैंड माफिया बड़ा मुतहरक है, यहाँ पे शहर के अंदर कूड़ा करकट के ढेर जो कि आपकी पीएसपी ने बड़ा उसमें पिछले दिनों काम किया उसके ऊपर, वो जब होगा तो क्या अवाम को क्या डिलीवर करेंगे ये हुक्मरान, क्या आप कहते हैं कि उसमें किस चीज की जरूरत है, आपकी पार्टी जो है इस हवाले से क्या कर सकती है, क्या किरदार अदा कर सकती है, आप भी इस वक्त हिस्सा तो है ना गवर्नमेंट का, आप अपोजिशन में है या पार्लियामेंट में है ना, वहाँ पे आवाज तो उठा सकते हैं ना कराची के लिए, तो आपका किरदार क्या है? नहीं देखिए, फासिल जमीन पार्टी ना अपोजिशन का हिस्सा है ना गवर्नमेंट का, ना ही वो पार्लियामेंट में है, लेकिन अपोजिशन तो जमातों के साथ हैं। हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट में है, वो आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ तक अमन की बात की आपने, तो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अमन तो हो चुका, और उसका क्रेडिट मैं रेंजर्स के ऑपरेशन के साथ, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ, पुलिस के साथ, मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनिस साइम खानी साहब को भी दूंगा। उन्होंने आके यहाँ पे चैलेंज किया, उन्होंने आके इन चीज़ों को हाईलाइट किया, उसके बाद ये तमाम चीज़ें आगे चली, और उसका क्रेडिट हम कराची के आवाम को भी देंगे, कराची के ताजिरों को भी देंगे। जहाँ तक बात है पानी की, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, जिसमें 95% पानी जो फजला मिला जो है बताया गया, मुस्तफ़ा कमाल साहब को ही बताया था, और वज़ीर आला सिंह भी वहाँ पर थे, लेकिन वज़ीर आला सिंह की जो बेहिसी थी वहाँ पे, वो मतलब देखने के काबिल थी, वसीम भाई वगैरह वहाँ पर थे, मुस्तफ़ा भाई ने तो जब बोला है वहाँ पर तो एक तीन ड्रॉप साइलेंस था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। बताते हैं आपको, देखें टैंकर माफिया का जहाँ तक इशू है, कराची में पानी बहुत है, लेकिन जब अरबों रुपये की कमाई एक दिन में होगी तो उसके पीछे हर कोई होता है, हुकूमत भी होती है, माफियाज भी होते हैं, लोग भी होते हैं जिनके मफादत होते हैं, यही पानी अगर लाइनों में दे दिया जाए तो टैंकर माफिया ख़त्म हो जाएगा। कचरे की सूरत हाल उसका जिम्मेदार जो सिटी मेयर है उसको आप करार दें, या जिनके हाथ में जो है वो बल्दियात का निज़ाम उनको करार दें। बहरिया टाउन से तीन चार माहदे कर लिए वसीम अख्तर साहब ने, लेकिन भाई जिम्मेदारी तो आपकी है, सब सारी जिम्मेदारी आपकी। अभी आपने कहा वसाइल नहीं, वसाइल हैं, मैं आपको बताऊँ जो किरदार पाक सरजमीन पार्टी या मुस्तफ़ा कमाल साहब अदा कर रहे हैं एज ए अपोजिशन कराची के लोगों की आवाज़ बनकर। तो अब ये जो एक परसेप्शन आ गया था ना कि ये MQM ही करेगी, और MQM ने जो है कराची के लोगों का सौदा किया, कराची का सौदा किया हुकूमत के साथ, और सिर्फ वो एक प्रेस रिलीज आ जाता है या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, हकीकतन कुछ नहीं होता। वसीम आफ्ताब साहब, आपकी पार्टी ने यहाँ पे बड़ा शोर किया कि मर्दम शुमारी जो है वो ठीक नहीं हुई, यहाँ पे इन्होंने गलत की है मर्दम शुमारी, तो आप क्या समझते हैं कि मर्दम शुमारी ठीक नहीं हुई कराची में? देखिये, मर्दम शुमारी खालिशतन एक ऐसा इशू है जिसको हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सिर्फ इस एंगल से देखा जाता है कि इसके नतीजे में शायद कुछ सूबाई असम्बली की और कुछ नेशनल असम्बली की सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि ये उसका बहुत छोटा कंपोनेंट है। असल कंपोनेंट तो ये है ना कि भाई देखिए, मैं अगर इस शहर में चार अफराद रहते हैं और आप उनको दो गिनेंगे, तो दो अफराद के जो वसाइल हैं वो अगर नहीं आएंगे तो वो दो अफराद मुतासर होंगे। पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी गोठ में अगर जितने भी अफराद रहते हैं आप उनको कम गिन रहे हैं इस बुनियाद पर कि सूबाई असम्बली की सीटें कम करनी है, तो आप उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि ना तालीम मिलेगी उनको, ना सेहत मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी। देखें, लाहौर की अगर आबादी, वो मेरा मुल्क का शहर है, वो अगर 2 करोड़ का हो जाता तो मुझे खुद भाई मुझे अगर है तो होना चाहिए, लेकिन अगर अजीबो गरीब सूरत हाल हो जाएगी। देखें, कराची के अंदर पूरे मुल्क से लोग आते हैं, कराची से, पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, KPK से भी लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, और इवन यहाँ पर रोहिंग्या के मुसलमान भी यहाँ पर आबाद हैं, बंगाली भी है, बंगाल के लोग भी हैं। अब अगर ये सूरत हाल ये हो जाए कि भाई लाहौर की आबादी 3.0% बढ़ जाए इस रेशियो से बढ़े, और कराची की आबादी 1.0, तो ये आप मतलब देखे ना, ये अगर हम इस मुल्क के लोगों को भी नहीं गिन सकते हैं तो फिर हमारी एक सलाहियत क्या है? ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कराची का अमन तो आपके सामने चल रहा है, जो बात हम कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया, अल्लाह करे मजीद जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी हो जाए और यहाँ पे दोबारा से वही रोजगार सिलसिला शुरू। ये कसूर के अंदर इतना बड़ा सानिया, 12 बच्चे, उनके साथ ज्यादती, उसके बाद कत्ल, उसके बाद शेखुपुरा के अंदर ले लें, चिनेट के अंदर ले लें, फैसलाबाद के अंदर ले लें, पत्तों की के अंदर वाकया हो गया, 11 साल का बच्चा जो है उसको ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, तो आप इसको क्या कहते हैं कि ला कानूनियत की इंतहा नहीं, वो शफाक इंसान नहीं है जो बच्चों के, मासूम बच्चों के साथ, 4 से 10-11 साल के बच्चों के साथ ज्यादती के बाद कत्ल कर रहा है, उसको क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहले तो ये इंतहा काबिल मजम्मत अमल है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे के बहुत सारे एंगल की अक्कासी भी करता है। इसमें लाकानूनियत अपनी जगह है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर जिस तरह से लोग परवान चढ़ रहे हैं, जिस तरह की उनकी नफ्सियात बिल्ड हो रही है, किस जो हालात हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें हम सबको मिलकर इतने इस मुल्क को बेहतर करने के लिए, इस माशरे को बेहतर करने के लिए हर जगह काम की जरूरत है। पुलिसिंग अच्छी, मैंने कहा ना, मुल्क मुल्क की पुलिस जो है, अब ये अगर कहेंगे इसके अंदर पुलिस जिम्मेदार है, भाई ठीक है, पुलिस का एक रोल है, लेकिन एक इंसान वो क्या कर रहा है, उसके अंदर उसके घर वाले कहाँ हैं, उसकी तरबियत किस माहौल में हो रही है, उसको कौन से वसाइल जरूरी है। वसीम भाई, बात यह है कि पुलिस जो है, 11 बच्चे अगवा होते हैं, उसके बाद उनके साथ ज्यादती के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है, तो वो खामोश क्यों है, उसको क्यों नहीं ढूंढ रही भाई? 12 कत्ल के बाद जब शोर होता है तब इनको ख्याल आता है। एक्चुअल में मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क की पुलिस जो है वो एक्चुअल में हमारी हुकूमतों का कैसा टूल है जो उसके मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होती है। हमारी पुलिस, अगर मैंने कहा ना कि उसको सियासत से अलहदा करके अगर उसको उसके बुनियादी काम पर लगाया जाए कि वो जराइम की और जुर्म की बेकनी के पर लगाया जाए, तो ही पुलिस उस वक्त कुछ कर पाएगी। हो ये रहा है कि पुलिस और पुलिस के अफसरान हुकूमत की जो है ना वाहवा हासिल करने में और उसके मुखालफिन को जेर करने में लगे रहते हैं, तो असल जो जुर्म होता है वो पनप रहा होता है, फैल रहा होता है, फूल रहा होता है। इंसान बड़े बड़े अभी देखे ना, सारे मॉडल टाउन हुआ है, आज तक एक पुलिस वाला या उसके जो करने वाले कोई भी एक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच सका। तो इसकी बुनियादी वजह यही है ना कि पुलिस जो अपने असल काम से हट चुकी है, इतना इंतहाई नाकिस जो है ना इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात करती है, जिसके नतीजे में उन जुर्म जो है ना वो या मुजरिम जो है वो बच जाता है और जो एक आम सा आदमी बेचारा फंस जाता है। तो जब तक पुलिस सही नहीं होगी, जब तक उसकी तहकीकात अच्छी और साफ शफाफ नहीं होगी, वो मियारी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये जुर्म उसी तरह फैलते रहेंगे या इस तरह के सानियात होते रहेंगे और हम बैठ के इसी तरह। कराची के अमन के हवाले से PSP का क्या किरदार है और जो मेरे नाज़रीन है उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे? देखिए माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी तफील बात हो चुकी है। PSP हम सब ने मिलकर, हम सब पाकिस्तानी ने मिलकर इस कराची शहर का अमन बहाल कर दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि कराची शहर पाकिस्तान का माशी हब है। वफाकी हुकूमत कराची शहर की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कराची शहर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करे। हम सब अमन से रहना चाहते हैं, अमन आ चुका है, नॉर्मल हो गया है शहर। वफाकी हुकूमत का वफाकी वजीर दाखिला जब ये कहता है कि कराची शहर से जराइम का खात्मा हो गया, सिर्फ यहाँ मुजरिम नहीं रह रहे हैं, इस शहर में लोग रह रहे हैं, उनकी बुनियादी। लेकिन यहाँ पे एक बात तो है कि जो इंसार जब वजीर दाखिला थे उनका बहुत किरदार था यहाँ पे। मैंने कहा ना, सब सबके किरदार की वजह से ये यहाँ पर अमन आया है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं तो उनकी कुछ जरूरियात हैं, उनकी जरूरियात पूरा भी होना चाहिए। ये मुल्क का माशी हब है, तो इसने अगर इस मुल्क को रेवेन्यू दिया है, तो अगर आज एक पानी को महरूम है, कचरा नहीं उठ रहा है, सेवरेज का निज़ाम तबाह है, रोजगार नहीं है, अच्छे स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो ये भी वफाकी हुकूमत को चाहिए कि शहर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए शहर की जरूरियात पूरा करें। बाकी पाकिस्तान, कराची, हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। अमन आ चुका है और ये बेहतरी है, कराची की रौनकें बहाल हो रही हैं, कराची की रातें जाग रही हैं, उसकी रोशनियां बहाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो PSP के रहनुमा थे, वो PSP को, मुस्तफा कमाल भाई को, अनीस कायम खानी भाई को वो किस तरीके से देख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या जो है वो कहते हैं। लेकिन मुझे पहले एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद जब दोबारा आऊंगा तो उन कारकुनान में मैं मौजूद हूंगा और उनसे जानूंगा। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह जो रहनुमा थे PSP के, उनसे गुफ्तगु हो रही थी, मैंने कारकुनान का जिक्र किया। ख़वातीन का हमेशा से, आप पाकिस्तान जब बना कायदे आज़म के साथ देख लें, फातिमा जना उनका बड़ा किरदार था। हमेशा से जो इस्लाम की बात कर लें, किसी किसी भी तहरीक की बात कर लें, ख़वातीन का हमेशा से किरदार रहा है। इसी तरह मेरे साथ आज PSP की सीनियर जो है अहदेदारान खवातीन जो है वो मौजूद है। रूही खान साहबा सीनियर नायब सदर हैं PSP कराची की, वो भी मेरे साथ मौजूद है। वो PSP को किस तरीके से देख रही हैं और जो कराची शहर है इसके अमनो अमान के हवाले से वो कैसे देख रही हैं? मौसम जादव जी, सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मेरा क्वेश्चन तो सुन लिया, आप कैसे देख रही हैं ये यहाँ पे जो रोशनियों का शहर था, जहाँ पे मुआशी तरक्की जो है वो पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन वो नजर लगी, वो कैसे देख रही हैं? बिल्कुल लगी, ये तो आप लोगों को खुद भी पता लग रहा है कि कराची में कितना अमन आया है। जब से मुस्तफा कमाल भाई आए कराची,
بہت زیادہ سکون میں ہو گیا ہے. ہر جو قتل و غارت گری اور روز کی جو ہڑتالیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں. تقریباً لوگ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ سونے لگے. جو بچے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے وہ سارے اپنے گھروں کو لوٹ آئے. یہ ہوا ہے. دوسرے یہ کہ ابھی بھی لیکن کراچی کے جو دوسرے مسائل ہیں, پانی ہے, بجلی ہے, جو سب وہ سارے پرابلمس ایسے ہی ہیں, اس لیے کہ میئر صاحب کچھ کر نہیں رہے. تو گورنمنٹ ہماری ہے نہیں مصطفیٰ بھائی کی, ورنہ یہ سارے کام جب انہوں نے پہلے کیے تھے تو دنیا نے دیکھا. آپ کیا سمجھتی ہے کہ پی ایس پی جو ہے ابھی نئی جماعت ہے, کیا پی ایس پی اپنی جگہ بنا پائے گی کراچی کے؟ انشاءاللہ بنائے گی, انشاءاللہ تعالی. الیکشن میں اس جو یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر سیٹیں نکالے گی؟ انشاءاللہ نکالے گی. آپ کیا کہیں گے کراچی کے امن و امان کے حوالے سے, پی ایس پی جو ہے اس کا کیا کردار ہے اور امن جو ہے وہ کتنا بحال ہے؟ امن تو جب کمال بھائی آئے ہیں, مصطفیٰ کمال بھائی, امن تو بحالی, امن کی بحالی تو اسی وقت سے سٹارٹ ہو گئی تھی, کیونکہ مصطفیٰ کمال بھائی وہ شخصیت ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ پہلے بھی کام کر چکے ہیں, پہلے بھی اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنانے والی شخصیت یہی رہی ہے. کل ہمارے کراچی شہر کے اندر جتنے فلائی اوورز بنے, جتنے بھی جو کچھ بھی ورکنگ ہوئی, جتنے کچرے کے ڈھیر صاف ہوئے تھے, جب یہ روشنیوں کا شہر بنا تھا تو اس کو بنانے کا کریڈٹ مصطفیٰ کمال کو ہی جاتا تھا. اور آج بھی ہمیں یہ امید ہے, ہم یہ امید کی یقین لے کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آنے والا کل پھر سے ایک بار پھر سے اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنا. اتنا کرنٹ رکھنے والی خواتین پی ایس پی کے اندر ہوں گی تو ضرور تبدیلی آئے گی. یہ جو ہے اور یہاں پہ اس وقت سینئر راگبا جوائنٹ سیکرٹری پی ایس پی بلکیس, میڈم بلکیس صاحبہ جو ہے انہوں نے جوائن کیا ہے, تو ان سے جان لیتا ہوں کہ پی ایس پی کا ایجنڈا کیا ہے, وہ سیٹیں نکال پائے گی یا نہیں نکال پائے گی. اور کراچی خصوصاً میں روشنیوں کا شہر جو تھا, جو میرے قائد کا شہر تھا, جو پورے پاکستان کا روزگار یہاں سے جاتا تھا, پہیا پاکستان کا چلتا تھا, اس کو نظر لگی. آج کیا اس کا امن جو ہے پہلے سے بحال ہوا ہے؟ کیا یہ عمل جو امن ہے یہ مکمل طور پر بحال ہو سکے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا یہ مطلب؟ بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم دیا. کیسی ہے خیر یہ میری لمبی چوڑی جو سپیچ تقریر کر رہا ہوں خواتین کو بھی کراچی کی اور پی ایس پی کی خواتین کے اندر جو بول رہا ہوں, آپ یہ ساری سپیچ کا کیسے جواب؟ اس کا تو میں یہ کہوں گی کہ انسان کے وعدے اور بلند بانگ دعوے کام نہیں آتے. عملی کوششیں ابھی مصطفیٰ کمال بھائی کی میئرشپ کے دوران جو عملی جدوجہد رہی ہے اور وہ پین لیتے تھے, انہوں نے اون کیا تھا کراچی کو, کراچی کے مسائل کو, سندھ کو اون کیا تھا, مسائل کو اون کیا, تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اس وقت تو وہ ایم کیو ایم کا حصہ تھے. ارے مگر ایم کیو ایم کا حصہ تو آج کا میئر بھی ہے, تو کیا وہ کر کے دکھا رہے ہیں؟ یہ انسان کے اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بات کا خوف رکھے کہ اس سے باس پوس اللہ کرے گا کہ اس نے مخلوق کے لیے تمہیں طاقت دی تھی, تمہیں توانائی دی تھی, تمہیں اختیارات دیے تھے, تمہیں اقتدار دیا تھا, تو تم نے اس کا استعمال کیسے کیا. تو آج کا میئر بھی ایم کیو ایم سے ہے اور مصطفیٰ کمال جب میئر تھے تو وہ بھی ایم کیو ایم میں سے تھے, مگر انہوں نے کر کے دکھایا, آج کا میئر کر کے نہیں دکھا رہا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون پین لیتا ہے, کون عوام کے مسائل کو محسوس کرتا ہے. جب میں یہاں پروگرام کے دوران بات ہو رہی تھی قصور کے حوالے سے, کراچی میں کھڑا ہوں, بات قصور کی ہو رہی ہے, دیکھیں یہی جو ہے ہمارا اسلام جو ہے ہمیں درس دیتا ہے کہ ایک مسلمان بہن بھائی کسی کو تکلیف ہو تو وہ پورا جو مسلمان بہن بھائی ہے وہ محسوس کرے. تو آج وہ ہماری بیٹی زینب, وہ ایک زینب نہیں ہے, وہ ایک زینب تو ایشو بن گیا جس کو بنا دیا گیا, بہت ساری زینب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے بعد زیادتی کے بعد قتل. میرے خیال میں وہ انسان ہے ہی نہیں, وہ درندہ ہے, وہ حیوان سے بھی بدتر ہے جو ایسی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. یقین کیجئے دل خون کے اثر ہوتا ہے. یہ بلیک پٹیاں کیوں باندھی ہوئی ہیں؟ میں ان سے جانتا ہوں جی, شمعیں تو روشن کر دی, یہ بلیک پٹیاں کیوں باندھی ہوئی ہیں؟ یہ بلیک پٹیاں اس لیے باندھی ہوئی ہیں کہ آج ہمارا دل رو رہا ہے, ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ جس زینب معصوم پری کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو ہمیں یقین نہیں آتا کہ جیسا آپ نے کہا بالکل صحیح, وہ انسان نہیں ہو سکتا, وہ جانور سے بدتر ہے. اور یہ قصور کا بارواں قصہ ہے, اس کے باوجود اگر گورنمنٹ اس پہ ایکشن نہیں لیتی تو ہمارے لیے مطلب بہت افسوس کا قصور ہے. آپ دیکھ لیں فیصلہ باد میں, ڈچکوٹ میں ہو گیا, شیخوپورہ میں ہو گیا, چنیوٹ میں ہو گیا, پتوں کے اندر ہو گیا واقعہ. احتجاج ہے اور ہم اس کو احتجاج کو اگر انہوں نے مانا تو ہم اور آگے اسٹریٹ پہ لے کے جائیں گے, اور کل ہمارا ایک اور مظاہرہ ڈیفینس میں جہاں ہم ایک اور احتجاج کریں گے.
आप क्या कहेंगे जी इस हवाले से? तमाम ये देखें, वो हमारी बेटी, वो मासूम कली, वो नन्ही कली, वो नीली आंखों वाली, वो एक जैनब नहीं है। देखें, आज अगर इस तरह का कोई सजा दी होती तो ये जैनब जैसे वाकयात दोबारा ना होते। तो आप ये एहतजाज कर रही है, पट्टी सर पे बांधी हुई है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं तो इस हवाले से ये कहूँगी कि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं और एक ज़ैनब ही नहीं, हम उन तमाम बच्चियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं उनके वालदैन के साथ जहाँ पर इस तरह के वाकयात रोनुमा हुए, और हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर शदीद मुजम्मत के साथ, हम ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि मासूम बच्चियां इस तरीके से उनकी असमतें लूट कर उन्हें कचरे के ढेर पर डाला जा रहा है। बेटियां सबकी सांझी होती हैं और उधर से राना सनाउल्ला साहब बैठकर ये कहते हैं जी बच्ची खुशी खुशी जा रही है, वालदैन को उनका ख्याल रखना चाहिए। तो मीडिया पे इल्जाम दे रहे हैं कि मीडिया ने ये आग भड़काई है, वो जितना 12-11 जब कत्ल हुए बच्चों के तो मीडिया ने उस वक्त नहीं भड़काया तो इनको ख्याल नहीं है? उस वक्त तो पकड़ते मुल्ज़म, अगर मुल्ज़म कैफरे किरदार तक पहुंचते तो ज़ैनब वाला वाकया ना हो। ज़ैनब जैसी बहुत बच्चियां जो इस वक्त बहुत कम सनी के अंदर दरिंदों सिफ्त इंसानों के हाथों एक शिकार बनकर मर गई, मौत के घाट चली गई, कहाँ है राना सनाउल्ला का वो कानून? हम मुतालबा करते हैं बताएं पंजाब में बढ़ते हुए। ये बोलना चाहूंगी ये ज़ैनब क्योंकि एक गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती है इसीलिए उसके कातिल को कुछ नहीं किया रहा, मगर जिसके कातिल पकड़े जाते हैं शाहजेब के उनको भी तो रिहा कर दिया जाता, हालांकि इसमें कसास का कानून नहीं लगता। जो कसास जब होता है, जब मेरा आपका मामला हो, ये पूरे माशरे का मामला है, पूरे माशरे को इसको इससे एक सबक मिलता, ये कैसे इन्होंने माफ कर दिया उनके जो जिसका मतलब जो पैसे वाला है उसके पैसे हैं वो जो चाहे खुला दरिंदगी करता फिर उसको सब छोड़ दें और जो गरीब आए। बहुत शुक्रिया। ये एक जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं उनकी ज़ैनब के, एक ज़ैनब नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनकी असमतें लूट ली गई, जिस तरह मेरी बहन ने कहा उनकी इसने पामाल कर दी गई और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। उनको ऐसे मुल्जमान को अगर सख्त से सख्त किसी चुराहे में खड़ी करके सजा दी जाती तो ये ज़ैनब वाला वाकया ना होता। मैं जब कराची की बात करूँ तो कराची मेरे पाकिस्तान का दिल है या रोशनियों का शहर था, इसको नजर लग गई। यहाँ पे आज कूड़ा क्रिकेट के ढेर पड़े हुए हैं, यहाँ पे लैंड माफिया मुतहरक है, यहाँ पे टैंकर माफिया मुतहरक है, यहाँ पे क्राइम स्ट्रीट हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बोरीबंद लाशों वाला सिलसिला कराची में रुक चुका है, वो अमन हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमारी एजेंसियां यहाँ पे रेंजर्स को मैं स्पेशली सलाम करना चाहूंगा और दूसरी जो सियासी पार्टियां इसमें खड़ी हुई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला कराची की रोशनियां लुटाएंगे, यहाँ पे मईशत का पहिया दोबारा से बहाल होगा, यहाँ पे जो है अमन बहाल होगा और यही गलियां साफ सुथरा जो है मंजर पेश करेंगी। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से स्पेशल कराची में जो प्रोग्राम किया इसमें इजाज़ डॉगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नारा लगाएं कि कराची की गलियों के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज जो है गूंज उठे, पाकिस्तान जिंदाबाद।